गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर आशीष एंड वेलकम टू बायो पॉइंट। आज जो डिस्कस कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, और आपने जो स्टडी किया होगा डिफरेंट किंगडम लाइक द मोनेरा प्रोटिस्टा एज फंगी प्लांटी और एनीमिलिया। तो ये क्लास 11 का टॉपिक है। और प्रोटिस्टा में जो एनिमल आते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर, मीन्स ओनली वन सेल। इसके अलावा जो प्रोटिस्टा होते हैं क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और कुछ क्या होते हैं हेटरोट्रॉप्स, और ये क्या होते हैं यूकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा को जो क्लासिफाइड किया डिफरेंट सब ग्रुप में, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट्स, यूग्लिनोइड्स। अब क्राइसोफाइट के अकॉर्डिंग क्या था, गोल्डन एल्गी, डायटम्स, और गोल्डन एल्गी को क्या बोलते हैं, डेस्मिड। इसके अलावा जो सेलवाल होती है, इनकी सेलवाल जो कंटेन होता है पैक्टिन और सेलुलोज। और फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च फॉर्म में होता है। इसके अलावा एक क्राइसोफाइट के अकॉर्डिंग आता है कि डाई एडमेसियस अर्थ ये रिलीज क्या करती है, सिल्का। ओके, और इसका मेन फीचर है सिल्का का रिलीज होना, ये मेन फीचर होता है मैराइन हैबिट का। और इसके बाद आया ये डायग्राम दिया गोनोलैक्स का, एंड गोनोलैक्स इट्स बिलोंग टू द सेकंड, क्या बताइए, सेकंड आपका आता डायनोफ्लैजेलेट्स। तो ये पिक्चर दी गई है गोनोलैक्स, और डायनोफ्लैजेलेट्स इसके अकॉर्डिंग आता है रेड टाइड। ओके, आपने स्टडी किया हुआ सी एफ ई रेड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड टाइड। नेक्स्ट डायनोफ्लैजेलेट की कंडीशन क्या होती है, यूनिसेलुलर होता और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ होता। इसके अलावा आपने स्टडी किया हुआ नेक्स्ट एज द यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड में क्या है, यूग्लिना आएगा। और यूग्लिना में क्या होता है कि बॉडी में क्या होता है, पेलिकल होती है, पेलिकल का नेचर क्या होता है, प्रोटीन। देन स्ट्रक्चर ऑफ पायरेनोइड, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, और दीज आर द फीचर ऑफ यूग्लिनोइड। और यूग्लिना इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, इट सो बोथ द फीचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, दोनों फीचर को इंडिकेट करता है। मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ ऑटोट्रॉप्स, एंड अब्सेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ हेटरोट्रॉप्स। और ये सभी पिक्चर इंडिकेट की गई है आपकी प्रोटिस्टा की ही है, अमीबा है, और भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज आर डिफरेंट पिक्चर। और अब इसमें आता लास्ट में प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ इट्स सो द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड। दिस पिक्चर इंडिकेट एज द अमीबॉइड मूवमेंट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मींस फूड का इनसाइड बॉडी, एक्सो मींस आउटसाइड, एंड दिस टू पिक्चर इंडिकेट एज द फ्लैजेलेटेड मूवमेंट लाइक द यूग्लिना। स्पोरोजोन, स्पोरोजोन इंक्लूड एज द प्लाज्मोडियम, मीन्स एज द वन थिंग, ओनली वन पिक्चर एज द ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा इट इज कॉज्ड वन डिसीज, स्लीपिंग सिकनेस, एंड स्लीपिंग सिकनेस एज द वन वैक्टर सीजी फ्लाई। सीजी फ्लाई इट इज़ द वैक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, एंड इट इज कॉज्ड बाई ग्लोसाइना पैलपैलिस, मीन्स ग्लोसाइना पैलपैलिस इट इज़ द वैक्टर ऑफ सीजी फ्लाई। ओके, एंड दिस पिक्चर इंडिकेट एज अ रेड टाइड, means red tide because sea appear red because the concentration of more as the pigments, so this picture indicate as the red tide। तो यहाँ पर जो आपने स्टडी किया डिफरेंट ग्रुप एज द किंगडम प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइमोड, एंड लास्ट एज द प्रोटोजोआ। इसके पहले आपने जो स्टडी किया था किंगडम मोनेरा, मोनेरा में आपने क्या स्टडी किया था, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। सो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ये टॉपिक और स्टूडेंट तक पहुंच जाए।
और जहाँ भी डाउट हो आप बताते रहिए, इन टॉपिक में डाउट है। थैंक यू।